सर आपका माइक ऑफ है। यस बेटा, थैंक यू। यस बेटा, गुड इवनिंग। एक बार देखिए बेटा, थोड़े से रिजल्ट रिकैप कर दे। अब बेटे ऑडियो ओके है? यस बेटा, सुन पा रहे हैं सभी? यस सर। हाँ जी, यस सर, ओके सर। हाँ बेटे, कोई प्रॉब्लम बतानी। देखो, इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, एक ही बात, नॉन कंफ्यूजन ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या है पूरे चैप्टर में? इंटीग्रल का मतलब है कि किसका डेरिवेटिव है। रिजल्ट आपको बताया था, एक्स पावर एन का पावर है कि इंक्रीज उसी से डिवाइड। एक्स की जगह लीनियर इन एक्स हो सकता है। जितने भी फार्मूले हैं उसमें एक्स की जगह लीनियर इन एक्स आ सकता है, अलाउड है। ए एक्स प्लस बी, इसके अलावा कुछ और अलाउड नहीं है। But divide by coefficient of x. लेकिन x के coefficient से divide कर देंगे। तो जैसे ये था x power n plus 1 over n plus 1 plus c। ये क्या था बेटा? x की जगह linear in x आ सकता है, power एक increase, उसी से divide, but divide by coefficient of x plus c। x की जगह कुछ और नहीं आ सकता, a x square plus b x प्लस सी पावर एन, इसका कोई फार्मूला नहीं है। साइन एक्स पावर एन, इसका कोई फार्मूला भी हमारे पास नहीं। पावर एक इंक्रीज कर दे। बॉक्स पावर एन का अभी तक हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। डायरेक्ट जैसे डेरिवेटिव में था वैसा नहीं है। तो ये रिवर्स है, रिवर्स चीज में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। एक सेकेंड आपको बताया था पावर माइनस वन से एलर्जी है। पावर माइनस वन नहीं लिखनी, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रल पता है, लॉग एक्स। x की जगह लीनियर इन x हो सकता है, ax plus b, तो भी इंटीग्रल पता है, log ax plus b, लेकिन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। थर्ड बता दिया था कांस्टेंट पावर x का, एज इट इज जो लिखा है वही लिख दो, log a plus c। e पावर x का, a की फंक्शन ऐसा है जिसका इंटीग्रल वो खुद ही है ex। x की जगह कुछ और हो, 5x माइनस सेवन, तब भी आंसर यही रहेगा कि 5x माइनस सेवन, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड, 5 से डिवाइड प्लस सी। और दो फंक्शंस का अगर प्लस माइनस है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रल पता है, पहले का अलग दूसरे का अलग। लेकिन अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट या डिवीजन है, उसका आंसर हमें नहीं पता। प्रोडक्ट डिवीजन है, ये इसको अलग अलग कर देंगे। दो फंक्शंस की अगर प्रोडक्ट या डिवीजन है, उसका आंसर हमें नहीं पता। या डिवाइड बाय जी एक्स है, मल्टीप्लाइड या डिवाइड है, तो उसका आंसर हमें नहीं पता। फिफ्थ, कोई कांस्टेंट एफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल। सिक्स्थ, दो ही पार्ट बताए थे, एक तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स, और एक कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। एक्स की जगह कुछ और है, जैसे साइन 3 माइनस 2 एक्स है, तो उसका इंटीग्रल पता है।
साइन टू एक्स है तो उसका इंटीग्रल पता है, लीनियर होना चाहिए, साइन एक्स बाय टू है तो उसका इंटीग्रल पता है, लेकिन साइन टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है तो उसका इंटीग्रल हमें नहीं पता, साइन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इसका क्या है, माइनस कॉस थ्री माइनस टू एक्स बट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका क्या है बेटा माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, माइनस कॉस एक्स बाय टू डिवाइड बाय एक्स बाय टू वन बाय टू प्लस, लेकिन अगर साइन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है तो इसका इंटीग्रल हमें नहीं पता, एक्स की जगह लीनियर हो सकता है। छह रिजल्ट्स बोर्ड पे लिखे हैं आप, तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, छह रिजल्ट्स में 18th, 19th, 20th क्वेश्चन छोड़ के फर्स्ट एक्सरसाइज का कोई भी एग्जांपल या क्वेश्चन पूछ रहा तो वो पूछ सकते हैं आप। सर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 13th बताते हैं, यस सर, और 22 भी सर, 13 और 22 दोनों बताते हैं बेटा, बेटा जो क्या नाम तो निशान आया था क्या, वो आया नहीं है, देखिए बेटा कोई लेक्चर मिस होता है ना फिर आगे समझने में दिक्कत आती है, इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है कि चलो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं बेटे, पर चलना पड़ेगा है बेटे, निशांत जानते हैं क्या आपको बेटे, मिस करेंगे तो बेटे फिर रिकॉर्डिंग तो भेजते हैं पर समझने में दिक्कत आती है। 13 देखिए बेटा 13 और 22, इसके अलावा और कोई एग्जांपल या क्वेश्चन 18 19 20 को छोड़कर बताते हैं बेटा, 13 एंड 22 क्वेश्चन 13 This is x cube minus x square plus x minus 1 over x minus 1. देखिए कोई डिवीजन रूल नहीं होता इसके अंदर, बना ही नहीं डिवीजन, तो डिवीजन को खत्म करना है तो एक तरीके इसको एक्चुअल में डिवाइड कर दो, पर इसके ऊपर फैक्टर बन रहे हैं इसलिए फैक्टर बना लेंगे, भाई x फैक्टर बन जाता है x माइनस वन दोनों में कॉमन आ रहा है टू आउट ओवर x माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई थ्री, वन का x, वन किसका डेरिवेटिव है x पावर जीरो लिखिए फिर पावर है, सेकेंड मेथड इसको एक्चुअल में डिवाइड कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ऊपर से जो आया एक्स माइनस वन प्लस वन, तो ये कैंसिल होकर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, स्टेप्स पूछ सकते हैं बेटा, वन टू थ्री ये फोर नंबर बोले आप, स्टेप्स पूछिए बेटा, एक्चुअल में डिवाइड कर दो इसको, नहीं तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा, तो आपको ये छह रिजल्ट आने चाहिए, अभी सिक्स रिजल्ट के चार पार्ट और है बताते हैं अभी, लेकिन पहले डाउट उसकी वजह से 18 19 20 क्वेश्चन पेंडिंग है,
नेक्स्ट देखिए बेटा 22 रब कर रहे हैं फिर इसको क्वेश्चन 22 स्टेटमेंट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज 4x³ एंड एफ 2 इज 0 कह रहा है एफ एक्स बताइए एफ एक्स हमें निकालने कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन बताइए लॉजिक इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं इंटीग्रल और डेरिवेटिव तो ये जो फर्स्ट दे रखा है इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल तो एफ एक्स बच गया इंटीग्रेट करेंगे तो 4x³ इंटीग्रल और 3x-4 इंटीग्रल इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं तो क्या आएगा इंटीग्रल पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड प्लस कांस्टेंट वन टू थ्री तो बेटा ये आ गया x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c अब ये कांस्टेंट नहीं पता उसके लिए कंडीशन दे दी एफ टू इज 0 यानी एक्स को 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा एक्स को 2 एफ 2 एक्स को 2 16 प्लस 1/8 प्लस सी एफ 2 0 है तो सी का आंसर -129/8 आ गया आंसर बेटा तो सी का ही आंसर चाहिए था सी का आंसर -129/8 था स्टेप्स पूछिए बेटा स्टेप्स बोलो सर फोर्थ स्टेप्स बताना डेरिवेटिव खत्म करना डेरिवेटिव कब खत्म होगा तब इंटीग्रेट तो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव खत्म एफ एक्स बच गया इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले का अलग दूसरे का अलग एफ टू जीरो की है तो एक्स की जगह टू रख तो जीरो आएगा एफ टू जीरो तो सी का आंसर -129/8 है आंसर सी की वैल्यू बटे फर्स्ट 22 क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो वो 18, 19, 20 बताते हैं आपको कोई डाउट जस्ट कोई डाउट एक्स पावर एन ए एक्स प्लस पावर एन 1/x देयरफॉर ए एक्स टू बी ए पावर एक्स ई पावर एक्स ई पावर लीनियर प्लस माइनस में अलग प्रोडक्ट डिवीजन अभी तक मार्क रिजल्ट नहीं आया कांस्टेंट को बाहर sin x का cos x sin x
साइन माइनस टू एक्स का माइनस कॉस थ्री माइनस टू एक्स और माइनस टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू वन बाई टू ऊपर जाए नंबर वन का कोई डाउट है नहीं नेक्स्ट देखें सिक्स रिजल्ट के और पार्ट्स रब कर नहीं है बिल्कुल सिक्स रिजल्ट और पार्ट्स देखिए वैसे तो कॉस क्या आता है साइन का पता है कॉस एक्स का पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो छह हैं तो टेंजेंट का क्या होगा कोट एक्स का क्या होगा सिकेंट का क्या होगा कोसेंट एक्स का क्या होगा ये बच्चे डेरिवेटिव कर देते हैं लीजिए टेंजेंट एक्स का सिकेंट एक्स वो नहीं होगा क्या सोच रहे हैं टेंजेंट किसका डेरिवेटिव है टेंजेंट है वो सीक्वेंस को एक्सेलरेटिव थोड़ी है डेरिवेटिव ऑफ सीक्वेंस स्क्वायर एक्स जो है वो टेंजेंट एक्स को टेंजेंट एक्स किसका डेरिवेटिव है वो थोड़ी है रहता है वो पावर एन से ये तो क्या आएगा पावर डाउन वन एस और सीक्वेंस एक्स का फिर तो क्या आएगा टू सिक्स स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स तो पिछले दो लेक्चर से हम आपको यही बताएं कि आपको केवल साइन कॉस का पता है बाकी चार नहीं पता इस एक्सरसाइज में पता लगे साइन कॉस का पता है बाकी चार नहीं पता हमें बाकी चार तो सिर्फ साइन कॉस का पता है बाकी चार इस एक्सरसाइज में अगर आपके मन में ये डाउट हो क्वेश्चन आए भी टेंजेंट एक्स सिक्स स्क्वायर एक्स इमीडिएट सोचना है इंटीग्रल मींस डेरिवेटिव ऑफ व्हाट सेकंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स नहीं होता रहता है सेकंड स्क्वायर एक्स डेल्टा एक्स तो हमें साइन कॉस का पता है इसके अलावा और कौन से पता है मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके अलावा पता है बेटा रेसिप्रोकल स्क्वायर कैसे याद रखें रेसिप्रोकल स्क्वायर रेसिप्रोकल स्क्वायर यानी कोसेकेंट एक्स का पता है हमें और सेकेंट एक्स का पता है फिर क्या बताइए डेरिवेटिव ऑफ व्हाट कोसेकेंट एक्स किसका डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स का आंसर में आएगा तो नेगेटिव आए सेकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है टेंजेंट एक्स सेकेंड रेसिप्रोकल स्क्वायर इसके अलावा हमें पता है सेकेंड टेंजेंट कोसेकेंट को ऐसे याद रखना है तो यानी किसका पता है सेकेंड टेंजेंट एक्स और कोसेकेंट को सोर्स की टेक्निक वही डेरिवेटिव ऑफ व्हाट कोसेकेंट टेंजेंट किसका डेरिवेटिव है सेकेंट टेंजेंट कोसेकेंट ऑफ किसका डेरिवेटिव है माइनस कोट टेंजेंट ये रिजल्ट साइन कोस उनके रेसिप्रोकल का स्क्वायर सीरियल स्क्वायर सेकेंट स्क्वायर सेकेंट टेंजेंट कोट इनके बताओ किसी को नहीं बताओ छह रिजल्ट साइन कोस का पता है बाकी चार फंक्शंस के उनका नहीं पता सेकेंड स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर सेकेंड टेंजेंट सेकेंड कोट आर्क्स की जगह लीनियरली नेक आ सकता है करिए नोट तो फर्स्ट एक्सरसाइज के केवल ये रिजल्ट्स है सिक्स रिजल्ट छह पार्ट्स है सिक्स रिजल्ट कर लीजिए नोट ये छह रिजल्ट्स इसमें डेरिवेटिव तरह दस रिजल्ट्स केवल दस रिजल्ट डेरिवेटिव तरह एक्सरसाइज अलग रिजल्ट्स हैं डिविजन रख रूल नहीं है ये नहीं कि आप कुछ रिजल्ट पता है तो क्वेश्चन हो जाएंगे सिंपलीफिकेशन ज्यादा है सिंपलीफिकेशन
This is 2 minus d sin x divided by cos square x. तो क्या है देखो ट्रिग्नोर कोई नहीं अलग अलग पहले चेंज करेंगे 2 sin square x दूसरे का सजेस्ट करें sin cos square x cos को दो बार करें टेंजेंट है सीक्रेट एक्स में sin by cos square है cos x square को दो बार लिखेंगे cos x है तो दो बार लिख cos x और टेंजेंट सीक्रेट सीक्रेट एक्स किसका डेरिवेटिव है टेंजेंट का सीक्रेट एक्स किसका डेरिवेटिव है सीक्रेट एक्स का नॉन ट्रिगनोमेट्रिक वैसे आपको टेंजेंट स्क्वायर साइन कोस इसका वो है वो था और कौन सा है रेसिप्रोकल के सीक्वेंस कोसेकेंट और कौन सा है साइन टेंजेंट सेकेंट फोर बस ये रिजल्ट याद है बेटा सिग्नेचर एक्स है रेसिप्रोकल स्क्वायर सिग्नेचर स्क्वायर साइन टेंजेंट सेकेंट फोर चार में वो निकलना है एक्स से ये सभी रिजल्ट इकट्ठे नहीं बने पिछले दो दिन तक साइंस तकली आपको बताया और डाउट फॉर सेकंड स्टेप 90 नंबर देख का 90 ये रिजल्ट आपको पता है कैसे तो बट साइन कॉस चेंज करें इसको तो लिख सकते हैं सीक्वेंस एक्स इनटू बाय कोसाइन स्क्वायर एक्स ये हो गया 1 बाय स्क्वायर एक्स इन साइन स्क्वायर देखिए बेटा तो बेटा sin स्क्वायर कोर को tan स्क्वायर कहेंगे अब इसका कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है स्पीड इक्वेशन से ये नहीं कि cos पावर n cos स्क्वायर ट्रिक्स क्या है आप अलग से लगा रहे हैं एक वेरिएबल तो ये दिखेगा ऐसे लेंगे 7 के रिजल्ट जो आ रहे हैं एक लगाइए ट्रिक्स का कोने दी ट्रिक्स के कुछ पे ट्रिक्स के तो इसमें ये लिखे एक ट्रेन द एक्स ने लीनियर एक्स लिख लिया अब ये करें एफ एक्स को माइनस वन पॉइंट डिग्री होता अब ये लगाए जो बताएं टेंशन को इस पे सब पे लगाइए आप अच्छे दिख ले सकते हैं डेरिवेटिव एक के दिया इसलिए नहीं ले दे रहे कि आप एक हिसाब से लेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी डेरिवेटिव रिजल्ट्स तो थे इसमें रिस्क तो आप लिखे ट्रिक्स आप लेंगे लेकिन जब तक अप्लाई करके देखेंगे तो आपकी बात नहीं होगी
ये लिखा रह जाएगा इनकी एप्लीकेशन दे देंगे तो एप्लीकेशन रिजल्ट में शॉर्टकट सिंप्लीफिकेशन आ रहा है अब जैसे इंटरेस्ट के आ गया इसके रिजल्ट के लिए क्या करेंगे तो जब टेंजेंट या रेक्स या कोट स्क्वायर इसका और कोई सेकंड नहीं है आपने जाना चाहिए बाय कोस बाय सेकंड कोई सेकंड नहीं है केवल एक मेथड है कि एक ही तरीके से होगा टेंजेंट स्क्वायर को आपने टेंजेंट स्क्वायर माइनस वन टेंजेंट स्क्वायर को हमने टेंजेंट स्क्वायर माइनस वन लिखा है और कोस स्क्वायर हमने लिखना है कोसेकेंड माइनस वन रट कह लीजिए अंडरस्टैंड कह लीजिए समर ठीक कह लीजिए नंबर लिया कोई डाउट तो नंबर पूरे था कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लिया तो ये फर्स्ट लेक्चर इज कंप्लीट टू एंड ए हाफ लेक्चर्स अरे काम ये आधे लेक्चर लिए और जनरेशन पढ़ेंगे कोचिंग सेंटर तो आधे लेक्चर में कम कर दिया लेक्चर से तो बहुत है जल्दी थोड़ा सा ज्वाइन कर बेटा उससे एक्सरसाइज दे फिर सेंड कीजिए और सेंड एक्सरसाइज